15 अगस्त को भारतीय रेल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने एक ऐसी ट्रेन चलाई जो 3.5 किलोमीटर लंबी थी। इस मालगाड़ी में 295 डिब्बे थे और ट्रेन को खींचने के लिए कुल 6 इंजन लगाए गए थे। सुपर वासुकी नाम की इस ट्रेन की खास बात यह रहेगी, अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी है। ट्रेन का संचालन छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांद गांव के बीच किया गया। जब ये मालगाड़ी कोथारी रोड स्टेशन से गुजर रही थी तो इसकी रफ्तार किसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से कम नहीं लग रही थी। सुपर वासुकी में करीब 26,000 टन कोयला लदा हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार सुपर वासुकी द्वारा ले जाया गया भार एक पूरे दिन के लिए 3000 मेगावाट पावर प्लांट चलाने के लिए काफी है। इस ट्रेन को चलाने का मकसद आजादी का अमृत महोत्सव पर एक विशेष उपलब्धि हासिल करना था और उसमें रेलवे को बड़ी सफलता मिल गई है।